हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है एल्गोरिदम्स एल्गोरिदम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली ये हर किसी जब जहाँ पे भी हमें कोई सोल्यूशन ढूंढना हो चाहे रियल लाइफ हो चाहे आपका मैथमेटिक्स हो चाहे आपकी प्रोग्रामिंग हो या चाहे कोई और फील्ड हो आपके पास जहाँ पे भी आप लोगों को कुछ कोई चीज़ सॉल्व करनी हो तो उसके लिए आप लोगों को एल्गोदम चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह बेड से उठना मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर डे जब आप लोग नींद से जागते हैं तो उसके लिए भी आप लोग एक अलगोरिदम फॉलो करते हैं यू मे नॉट नो लेकिन सब कॉन्शियसली आप लोग एक अलगोरिदम को रोज़ फॉलो करते हैं आप लोगों का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है आप लोग किस तरीके से प्रॉपर वे होता है आप लोग किस तरीके से जागते हैं आप लोग किस तरीके से अपना दिन स्टार्ट करते हैं सो दैट यू मे परफॉर्म योर वर्क या आप लोग किस तरीके से फ्रेश वगैरह फील करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे एक अल्गोरिदम होता क्या है तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे एल्गोरिदम की एक नॉर्मल uh, डेफिनेशन तो वो क्या है सिंपली फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स फाइनाइट मीन्स जो एंड होंगे ठीक है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका फाइनाइट मीन्स जो कभी ना कभी एंड होंगे इनडेफिनेटली जो नहीं चलेंगे तो ऑफ स्टेप्स दैट मस्ट बी फॉलोड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड एन एल्गोरिदम इसको एक्चुअली यहाँ पे आप लोग एक एक्स्ट्रा स्टेप एड कर सकते हैं दैट मजब भी फॉलोड इन सीक्वेंस ठीक है यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इन सिक्वेंस इन सिक्वेंस क्योंकि सीक्वेंस में फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास दस स्टेप्स हैं एल्गोरिदम में आप उनको हैफेजली फॉलो नहीं करेंगे आप लोगों को वन बाय वन उनको, उनको फॉलो करना है स्टेप नंबर वन फर्स्ट फॉलोड बाय स्टेप नंबर टू फॉलोड बाय स्टेप नंबर थ्री एंड सो ऑन जितने स्टेप्स वहाँ पर देखे हैं तब जाके वो एल्गोरिदम आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं और तब जाके वो आप लोगों को कोई सोल्यूशन देगा एक्चुअली ये एक अम, Um, um, जो uh, आदमी है इसके पीछे जिसने एक कॉन्सेप्ट दिया है हिज नेम वॉज आई डोंट नो हिज फुल नेम बट समथिंग लाइक खरोजमी अल खरोजमी वॉज हिज नेम ही वॉज अ मुस्लिम स्कॉलर समथिंग एंड उसी ने एक कॉन्सेप्ट दिया एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इट फॉर्म्स द बैक बोन ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट फॉर्म्स द बैक बोन ऑफ एवरी थिंग रिलेटेड टू योर कंप्यूटर डिजाइनिंग तो एल्गोरिदम्स जो होते हैं जब भी आप लोग एक्चुअल कोडिंग पे पहुँचते हैं जैसे आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व मेथड में देखा एनालिसिस के बाद पहला स्टेप एल्गोरिदम ही होता है दैट मीन स्टेप्स बनाना कि हम लोग एक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस में हम लोग क्या करेंगे एल्गोरिदम को जरूरी बनाना है सो so दैट आप लोग एक्चुअल कोडिंग पे पहुंचे आप लोग डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे आप लोग ये मतलब हंड्रेड परसेंट चांसेस आ कि आप लोग कोई ना कोई गलती करेंगे बेसिक प्रोग्राम्स में तो गलती नहीं होती है फॉर एग्जाम्पल प्लस करना माइन्स करना वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है प्रॉब्लम्स आती हैं जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जब बहुत बड़ी आ, बहुत बड़े प्रोग्राम्स आप लोगों को डिज़ाइन करने पड़ते हैं उस केस में आप लोगों को ये गलतियाँ हो सकती हैं सो द प्रॉपर मैकेनिज्म इज़ पहले आप लोग एक एलगोरिदम बनाएं क्योंकि एलगोरिदम बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में यूजअली इस्तेमाल होती है आप लोग कोई और लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रफ़ कॉपीज पे बट सिंस हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं तो हम लोग इंग्लिश वाली ही एलगोरिदम्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो होती ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है सो so दैट इसको समझना हर किसी के लिए आसान होगा अगर आप लोग एलगोदम बनाएंगे फिर कोई और डिज़ाइनर होगा तेम इस तय तुंस फिक्र है दैट मीन्स नॉन प्रोग्रामर्स को भी समझ आएगा नॉन प्रोग्रामर्स मतलब जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है जिनको कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना नहीं आता है जिनको सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता है जिनको नहीं पता है उसके बारे में कुछ भी तो उनको भी ये सिंपल एलगोदम्स का इस्तेमाल मतलब करनी आएंगी या समझनी आएंगी कुछ कुछ एलगोरिदम्स बेटा ऐसी भी आप लोग देखें जो इस्तेमाल होती हैं सीडो कोड से सीडो कोड्स का इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होती है हम से ज्यादा से इस्तेमाल करो ये एलगोरद सीडो कोड थ्रू से ना आसन थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंगवेजिन थोड़ा नॉलेज क्योंकि वो इसमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी इस्तेमाल करते हैं यहमिलर यह कॉम्बिनेशन बेसिकली थोड़ा इंग्लिश थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा इंग्लिश थोड़ा प्रोग्राम ंग्वेज तो so, uh, ये एक ह्यूमन को तो थोड़ा सा समझ आ सकता है लेकिन ज़्यादातर ये क्लोज़र टू होता है टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मगर बेसिक एल्गोरिज्म इज जस्ट रिटन इन अर्मल स्पोकन लैंग्वेज इस इंसान डेली लाइफ में यम थ्रू कतान मतलब जिस जो हमें डेली लाइफ में एक दूसरे की बातें समझ आती हैं हम यूजली उसी लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं बनाना uh, तो जब आप एल्गोरिदम बनाते हैं तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इससे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है बिटवीन टीम मेंबर्स टीम मेंबर्स मतलब अगर मेरी टीम में दस मेंबर्स हैं आप लोगों ने टीम वर्क तो पहले ही पढ़ा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में तो दस मेंबर्स हैं तो इन दस मेंबर्स को अलग अलग काम रखा है सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दो मेम्बर्स ऐसे हैं जिनको प्रोग्राम को ही बनाना है एक का काम रखा है एल्गोरिदम बनाना और दूसरे का काम रखा है इसी एल्गोरिदम का प्रोग्राम बनाना तो अब जब इस इंसान ने एल्गोरिदम डिज़ाइन की इसने इंग्लिश लैंग्वेज में डिज़ाइन की तो इस बंदे को इंग्लिश लैंग्वेज आती है इसको नहीं चाहिए कि अब ये पहला बंदा इसको पहले समझाना चाहिए लाइन बाई लाइन इसका क्या मतलब है नहीं इसको इंग्लिश लैंग्वेज समझ आती है इसको खुद ही समझ आएगा कि एल्गोरिदम एक्चुअली मुझे कहना क्या चाहता है मुझे करना क्या है तो दैट इज़ वाई इट्स सेंग इट प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन टीम मेम्बर्स देन जो सेकेंड स्टेप है दैट एनेबल्स एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम एट हैंड आप एनालाइज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को मतलब समझ सकते हैं इसकी जो आम, पेचीदगी होती है एक प्रॉब्लम की यह कॉम्प्लेक्स की कस सहल्च अथ में क्या क्या मैं ज़रूरत यह सोरे एलगोरिदम तुम दिवन क्लियर कर अत म इनपुट मैं रीड करें क्या आउटपुट गसन लास्ट जनरेट ये सारा एनालिसिस आप लोग एलगोदम को देख के ही कर सकते हैं एंड ओबली ब्लू प्रिंट फॉर कोडिंग जिस तरीके से अगर आप लोगों को कोई घर बनाना हो ता है पोस तु कागज़स पर तुक ब्लू प्रिंट या तो थ्री डी मॉडल तेम बिल्डिंग हूँ जिससे आप लोगों को समझ आता है ये लास्टस क्यु बनिए तथे कहीं ब्लू प्रिंट कोडिंग खात्र जिसको हम बोलते हैं एल्गोिदम जिसको आप समझते हैं कि हमारी कोडिंग फिर एट द एंड ऑफ कैस कैसे होगी एंड इट असिस्ट इन डिबागिंग आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला टेस्टिंग के बाद जो प्रोसेस स्टेप आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में दैट इज़ डिबागिंग डिबागिंग से हम एरर्स वगैरह दूर कर इन केस अगर आपकी कोडिंग में कल को एरर्स आ गए आप लोग फिर से अपनी एल्गोरिदम को देख के समझ सकते हैं क्या कहीं पे आपने एल्गोरिथम को कन्वर्ट करते टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं की थी तो उस केस में बेटा आपको डिबागिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है एंड सबसे इम्पॉटेंट पार्ट इट बिकम्स पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंसिज़ क्योंकि देखो एक फेज़ होता है हमारे डेवलपमेंट का जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस फेज़ मेंटेनेंस फेज़ क्या बेसिकली ये एल सॉफ्टवेयर चुना रनिंग मोडस मंजान सा इस्तेमाल करा कॉन्टिनीसली वन कभी कोई मूमेंट मत आएगा हमें कोई चेंज क्योंकि देखो कभी, कभी कभी कोई चीज़ क्या होती है ये कुछ इनपुट्स um, पे ठीक का करता है मगर कहाँ पर्टिकुलर इनपुट चासन ये तन इम्स गलत वैल्यू चुनेर हैं। फॉर एग्जांपल मैं चुन डिवीजन बाय जीरो प्रोविजन थमती पाई ना प्रोग्रामस में डिवीजन बाय जीरो चुना एरर। ये है कैलकुलेटर कैलकुलेट कर रहे उस केस में बेटा मुझे देखनी है एल्गोरिदम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैंने एल्गोरिदम का कोई स्टेप तो स्किप नहीं किया सो दैट फ्यूचर में भी आप लोग अपने सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली मेंटेन कर सकेंगे फ्यूचर में भी जो प्रोग्राम आपने डिज़ाइन किया है फ्रॉम सर्टन एल्गोरिदम आप लोग उसको देख के इसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो दीज आर सम एडवांटेजेस मगर इसमें हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जब आप एक एल्गोरिदम बनाएं तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी हैं ठीक है तो मतलब अगर आप लोग कोई एल्गोरिदम बना रहे हैं तो उस एल्गोरिदम में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए तेम्स क्या क्या प्रॉपर्टीज़ गेक्ट एल्गोरिदम आई एम सॉरी तो जो पहला स्टेप है दैट इज़ इनपुट जो एल्गोरिदम है उसमें ज़रूरी है कि इनपुट आना चाहिए अगर जीरो इनपुट्स uh, मतलब uh, आ गए तो दैट मीन्स एल्गोरिदम क्या कर रही है क्योंकि एल्गोरिदम को पहले इनपुट मिलना चाहिए तो तभी जाके आप लोग आ, उस पे कोई काम कर सकेंगे देन कम्स आउटपुट आप लोग इसको बोलने चाहिए कि मतलब आउुट पुट लास्टस क्या नुंद एलगोरिदम ग रिजल्ट नरुण इीधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर सक्सेस इीधर फेलियर वट एवर आप की पबल्म होगी तद गि क्या आउट पुट सॉल्व कि सालू सालू करा द्रा ये देट मीस कर्टिकूलर इनपुट मिलन तुम्े बेसजन पे बनाओ कह रिजल्ट अम्यु एंड देन कम्स प्रसिजन प्र्रसिजन मीनज आप लोगों की जो इंस्ट्रक्शन uh, है यह तुँ लि पे एलगोरिदम स्टेप सा example, सो ग क्लियर अन एम्बिगस गम्बिगस गो ये कहीं शक शुबा उस नन्फ्यूजन मं तव क्या सू पी ग फिक्र यह वन क्या फॉर एक्जामपल अगर तुम प्लस कर लीख्य सोदे अडिशन हसा कर लीखुन गुमा फिरा के स्टन वो ग कन्फ्यूज यह प्लस कर मल्टिप्लाई कर देट मीस प्रिसजली स्टेटिड हो चीन तम ज्यादा जैठर चीन स्टेप क्या लकट लक्ट स्ट ट स्टेप पोट एंड देन कम्स फीजिबिलिटी फीजिबिलिटी मीस आपकी जो एलगोरिदम है ये एफिशनसी सान सो गुक स्ट एट करफिशनसी सान गुम स्टिकट कर त्रुम स्टिकट कर So on, जितने आप लोगों के पास स्टेप है हर किसी हर कोई स्टेप फिजबल होना चाहिए अपने काम में कोई स्टेप नहीं होना चाहिए ऐसा जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा बाकी स्टेप्स अगर अच्छे से भी परफॉर्म करेंगे आपकी पूरी एल्गोरिजम खराब हो सकती है दैट मीन्स हर स्टेप का अच्छे से इस्तेमाल करना अच्छे से एग्जीक्यूट होना अच्छे से काम करना वो बहुत ज़रूरी है न कम्स फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलटी मीन्स आप लोगों का जो एल्गोरिदम है अगर तुम तो तुम चेंज करोड़ ज्यादा एफोट ग त्राउन के मतलब थोड़ी सी चेंज अगर करनी होगी आपके एलगोरिदम में तो आप लोगों को आप पूरी एलगोरिदम चेंज नहीं करनी पड़ेगी थोड़ी सी थोड़ी से स्टेप्स में थोड़ी बहुत चेंज कर दी तो देट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी दैट मींस आपका एलगोरिदम बहुत ज़्यादा फ्लेक्बल है एंड देन कम्ज जनरेलिटी जनरेलिटी मीन्स आपका जो एलगोरिदम है कि सेट ऑफ इनपुटस पट कर ती कर बेस फॉर एक्जाम्पल अगर तुम प्लस छू कर आपने टू और थ्री को प्लस करना है आप देंगे इनपुट में टू और थ्री दैट मीन्स आपके इनपुट में जाएगा टू और जाएगा थ्री तो इसका रिजल्ट एल्गोरिथम आपको देगा निकाल के फाइव तो ये हो गया एक सेट ऑफ इनपुट्स इसी तरीके से अगर आप दूसरा सेट ऑफ इनपुट्स देंगे से फॉर एग्जांपल आप ट्वेल्व और थर्टी देंगे तो 12 और थर्टी तीसरे स्टेप पे आप 120 और 300 देंगे चौथे स्टेप पे आप 1200 और 3000 देंगे दैट मीन्ज जैसे एक सेट ऑफ इनपुट्स पे काम करेगा वैसे ही दूसरे सेट ऑफ इनपुट्स पे काम करना चाहिए वैसे ही तीसरे सेट ऑफ इनपुट्स पे चौथे सेट ऑफ इनपुट्स पे यहां पॉसिबल आउट इनपुटन तमीन पे uh, हमेशा करेक्ट आउटपुट हाँ हमेशा तथि तो वनो जनरलिटी इसके बाद होता है फ़ाइनाइटनेस फाइनाइटनेस तो ये आपके डेफिनेशन में ही आता है कि एल्गोरिदम होती ही फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है फाइनाइट मींस ये कभी ना कभी ख़त्म होनी चाहिए ये यह इनडेफिनेटली रन दैट इज़ इट्स सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स तो दैट मीन्स दीज आर द सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एल्गोरिद्म वन इज़ इनपुट सेकेंड इज आउटपुट इसके इनपुट होने चाहिए इसके आउटपुट होने चाहिए ये क्लियर होनी चाहिए दैट इज पसिजन दैन फोर्थ इज फीज़िलिटी हर कोई इंस्ट्रक्शन um, पे भरोसा होना चाहिए हमारा कि यह दी असम कर दैन फ्लेक्सिबिलिटी अगर इसमें आपने चेंज की तो आपकी एलगोरिदम इतनी सोफिसिकेटिड um, uh, होनी चाहिए तीस असल गस आसन गे गम चेंज एड्ट्ट कर विदाउट पुटिंग मच एफर्ट इन टो इट एंड दैन सिक्स इज जन्टी हर क्यु तु तुम इनपुट दू तथा पे करें एंड ओबियसली सैन इज़ फाइन रेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एल्ज इट मे कम इन योर एग्जाम एग्जाम वट आर द कैरेक्टरिस्टिकलगोरिदम एंड देन देखो ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल है एलगोरिदम की देखो कितनी बेसिक डेली लाइफ की एक एग्जाम्पल अगर आप लोगों को चाय का एक कप बनाना होगा तो उसके लिए एक एल्गोरिदम लिखिए देखिए कितनी ईजी है टू राइट एन एल्गो आई हैव रिटर्न फिल द केटल विद वॉटर वाट केटल जो ना वो गैस पर रखी जाती है आई एम टॉकिंग अबाउट दैट केटल तो फिल द केटल विद वाटर बॉयल द वॉटर इन द केटल तो मैंने केटल से वाटर भर दी उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है उस के उस वाटर को बॉयल किया जब वो बॉयल हो जाए एडसम टी लीवस टू द केटल उसमें थोड़ी चाय की पत्ती मिला दी तो फिर उसके बाद क्या किया मैंने थोड़ा सा दूध मिला दिया और थोड़ा सा शुगर मिला दिया और उसको डाल दिया मैंने कप में एंड देन सेवन कप में

ये सीक्वेंस में फॉलो करने हैं पहले स्टेप नंबर वन देन स्टेप नंबर टू देन स्टेप नंबर थ्री देन फोर देन फाइव देन सिक्स देन सेवन एंड सो ऑन जितने स्टेप्स आप लोगों के पॉसिबल uh, हैं एक एल्गोरिदम में और बेटा ये बेटा याद रखना एक एल्गोरिथम एक सॉल्यूशन uh, बनाने के लिए आप लोग डिफरेंट एल्गोरिथम्स बना सकते हैं दैट मींस एक चाय का कप बनाने के लिए आप लोग डिफरेंट एल्गोरिदम्स बना सकते हैं और फिर जो उन एल्गोरिदम्स में आपको सबसे बेस्ट लगे आप लोग वो चूज़ करके उसी की कोडिंग या उसी का कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे अब ये हो गई डेली लाइफ की एग्ज़ाम्पल अब हम देखेंगे कोई थोड़ी सी डिफरेंट एग्जाम्पल ये एग्ज़ाम्पल क्या है टू चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव हमें देखना है अगर हमने कोई एंटर किया है कंप्यूटर में नंबर चेक करूँ सोचा पॉजिटिव नंबर एंटर गुत किन सोच नेगेटिव नंबर एंटर गोमुत तो फर्स्ट स्टेप क्या आ गया एंटर अ नंबर पहले नंबर एंटर करना है जो आप लोगों को चेक करना है से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नंबर एंटर किया थ्री ठीक है तो ये पॉजिटिव नंबर है ये अब मुझे चेक करना है यूजिंग एन एल्गोरिदम। रीड द नंबर इन अ वेरिएबल नाम। तो दूसरा स्टेप क्या है वेरिएबल एम नोमुत यथ एम् नाव थे एन यू एम तो इसने रखा है इसका नाम एन यू एम तो इस वेरिएबल का नाम एन यू एम है और इस नंबर को इसी में रीड किया गया है दैट मीज उस नंबर वेरिएबल अ थ्री स्टोर गुत ठीक है तो पहला कंडीशन क्या है ये इसको बोल रहे अगर नंबर बराबर ज़ीरोस तो प्रिंट करो नंबर इज जीरो क्या ये नंबर जीरो के बराबर है नहीं दैट मीन्स पहली कंडीशन फॉल्स हो गई अगर ये फॉल्स हो गई तो ये इस स्टेप पे आएगा इस स्टेप पे देखना है अगर नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो अगर ये वाला नंबर ज़ीरो से बड़ा है क्या ये ज़ीरो से बड़ा है हाँ ये ज़ीरो से बड़ा है तो ये ज़ीरो से बड़ा है ये प्रिंट करेगा नंबर इज़ पॉजिटिव नंबर इज़ पॉजिटिव जब ये होगा तो ये क्या करेगा यतन आउटपुट तो ये, ये आप लोगों का स्क्रीन अगर यहाँ पे होगा तो ये वाली मैसेज दिखाएगा दैट इज इज नंबर पॉजिटिव तो ये आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो इसी तरीके से अगर ये यहां पे माइनस थ्री तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू होती इफ नंबर इज लेस देन जीरो तो फिर आप लोगों की मैसेज आती नंबर इज नेगेटिव और लास्ट में एंड स्टेप दिया है मैंने आप लोग इस एल्गोरिदम को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो किस तरीके से देखो फॉर मैं एगजाम्पल मे लूख नंबर ये बहुत ध्यान से देखना ठीक है देखो आप लोगों को इससे समझ जाएगा किस तरीके से हम एक ही प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट एलगोरिदम्स लिखते हैं ये चु नंबर ऐड कर ठीक है से फार एगजाम्पल मे कैन फोर नंबर ऐड ये एड ये नंबर वेरिएबल य फोर ग स्टोर यन ग फोर स्टोर ठीक है तो अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ इफ नंबर इज़ इक्वल टू फोर देन प्रिंट नंबर इज़ ज़ीरो तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई दैट इज़ फाइन अब ये वाली कंडीशन होगी ना यहाँ पे ट्रू क्योंकि नंबर है बड़ा ज़ीरो से तो यहाँ पे आएगी मैसेज नंबर इज़ पॉजिटिव ये गो एन ट्रू मगर अगर मैं इतना सी पॉजिटिव आया अब क्या कर ये चेक क्या कि आओ मैं पॉजिटिव नंबर ये वे लेस दैन जीरो छानस बेच चाहान अगर यमों कह कंडीशन ट्रू ग बाकी कंडीशन ग ट्रैक ग क्या तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ बेटा अब यहाँ पे मैं कर सकती हूँ एंड एड का एड है कर एंड गो टू स्टेप सिक्स देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंड गो टू स्टेप Six. हर किसी को मैं यही ऐड करूँगी एंड गो टू स्टेप सिक्स इसको नहीं क्योंकि ये लास्ट वाला ये तन छुपाई एम पद स्टेप सिक्स से देखो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ये चेक करेगा इफ नंबर इज़ ग्रेटर देन फोर ये जीरो फोर इज़ ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स दिस इज़ अ ट्रू तो यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे देखो यहाँ पे है फोर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो प्रिंट क्या होगा नंबर इज़ पॉजिटिव और मैंने यहाँ पे और एक चीज़ लिखी है एंड गो टू स्टेप सिक्स और ये कहाँ जाएगा स्टेप सिक्स दैट मीन्स फिफ्थ वाला स्टेप ही स्किप करेगा क्योंकि इस कंडीशन के ट्रू होने के अब चांसेस नहीं है इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखेंगे हर जगह मैं अब यहाँ पे सिंपल लिखूंगी जी टी गो टू आप लोगों को समझ आएगा गो टू स्टेप सिक्स ये हर जगह है ठीक है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है दो जगह पे मैंने ये लिखा है इस यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि इसके बाद स्टेप सिक्स ही आएगा इसीलिए मैंने यहाँ पे स्किप किया है तो अगर मैं यहाँ पे अब ज़ीरो लिखूँगी फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है तो एंटर क्या हुआ नंबर ज़ीरो तो नंबर में क्या होगा स्टोर ज़ीरो यहाँ पे चेक होगा क्या नंबर ज़ीरो के बराबर है हाँ नंबर ज़ीरो के बराबर है तो प्रिंट होगा नंबर इज़ ज़ीरो एंड यहाँ पे दूसरी कंडीशन इसके साथ ही है प्रिंट करना है नंबर जीरो और जाना है स्टेप नंबर सिक्स पे तो ये डायरेक्टली आप लोगों को ले जाएगा स्टेप सिक्स पे जो गैक कैं क्य ये गो इतने ट्रू ये लिए ट्रू गो बच्चे डायरेक्टली सोजन नंबर सिक्स पे तो अब आप लोगों के लिए एक एलगोरिदम का असाइनमेंट है आज की क्लास में इतना ही ठीक है तो आप लोगों को मैं दो एलगोरिदम्स की ये देती हूँ एक आप लोगों को दो नंबर्स मैं से ग्रेटर ऑफ द टू ढूँढना है ठीक है दैट मीन्स यहाँ पर एंटर नंबर की जगह दो नंबर एंटर होंगे और वेरेबल्स दो का इस्तेमाल करेंगे आप फिर उनको कंपेयर करेंगे जो बड़ा नंबर होगा वो आप लोगों को प्रिंट करके देना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और अम, दूसरा प्रॉब्लम आप लिखिए एल्गोरिदम में दो नंबर्स का एडिशन एक आप दो नंबर्स का एडिशन करेंगे और आप लोग दो नंबर्स में से देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है ये आप लोगों का होमवर्क है इन केस बेटा आप लोगों को कोई भी दिक्कत आई लेकिन ट्राई कीजिएगा पहले पहले प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एल्गोरिदम्स बेटर होती जाएंगी आप लोग चेक कीजिए अगर आप लोगों को नहीं आया तो मैं आप लोगों लोग को दिखाऊंगी एल्गोरिदम्स आप लोगों को एल्गोरिदम्स में और भी बहुत पढ़ना है ठीक है आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स दिखा के हैं कौन कौन सी एल्गो एल्गोदम आप लोगों को बनानी है सो दैट फ्यूचर में आप लोग उसी का प्रोग्राम बना सकें आज की क्लास में इतना ही इनशाला नेक्स्ट क्लास में हम और देखेंगे एल्गोरिदम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स आपको सेलेबस में जो मैंशन करके हैं पहले आप लोग ये होमवर्क ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग पहले दो नंबर्स में से बड़ा ढूँढेंगे और दो नंबर्स का एडिशन मुझे करके देंगे यूजिंग एन एल्गोरिदम खुदा